अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन बटाटा और मटर दाल की सब्जी। तो मैं यहाँ तैयारी कर चुकी हूँ, मेरा कांदा भी यहाँ ला लिया है। अच्छा, मैं इसमें डालूंगी राई, जीरा, कड़ी पत्ता। ये मैं थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ। बैंगन भी यहाँ पे मैंने काट के पानी में डाल के रखी हूँ। और ये मेरा मसाला तैयार है, टमाटर, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, हरी मिर्ची पिसी हुई, अदरक लहसुन, लाल मसाला, ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी इसमें। कोथमीर धो के मैंने रखी हूँ, ये कोथमीर भी इसमें डाल दूंगी। इससे हर सब्जी का टेस्ट अलग ही हो जाता है और अच्छा, ज़्यादा टेस्टी और सब्जी भी कलरफुल लगती है। अभी मैं यहाँ पर डाल दूंगी मटर। मटर को 5 मिनट इसमें भाप में थोड़ा पकने दूंगी, फिर इसके बाद में डालूंगी आलू। इसमें डाल दूंगी ये धोए हुए बटाटे हैं, ये बटाटे इसमें डाल दूंगी। हम लोग के आलू बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आलू ज़्यादा ही डालती हूँ। आज यानी टिफिन में यही बनेगा। अब आलू को थोड़ी पका दूंगी, उसके बाद में ये बैंगन धोकर पानी में से निकाल के रखी हूँ, ये बैंगन इसमें डालूंगी। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि मेरे आलू थोड़े भाप लग जाए। फिर उसके बाद में बैंगन डालूंगी। अभी हम देख लेंगे, इसको बीच में एक बार हिला के थोड़ा पानी डाल दी थी क्या, वो नीचे लग रहा था। बटाटे भी मेरे भाप लग चुके हैं, अब इस पे मैं डाल दूंगी ये बैंगन। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं दम में बना लूँगी, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा शेरवा रखना है, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल दूँ, एकदम सूखी नहीं बनाना है। अब इस पानी में बटाटा भी गल जाएगा और बैंगन भी हो जाएंगे। अब तो मेरी सब्जियाँ हो चुकी है, आलू भी गल गया है। अगर मेरी रेसिपी आई
अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।